वेलकम स्टूडेंट्स टू ट्राइल अकेडमिक इंग्लिश आज की शॉर्ट्स वीडियो में मैं आपके साथ बिटवीन पिशा एंड लाहौर का एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो शेयर करूंगी क्वेश्चन नंबर फोर है शो हाउ द फिजिकल एज एंड द माइंड्स आई आर बोथ एट वर्क इन दिस ट्रैवल ऐसे क्वेश्चन ये है कि जो ऐसे है ये एक ट्रैवल ऐसे है इसमें वो हमें जो है ट्रेन में सफर कर रहा है फ्रॉम पिशावर टू लाहौर और वो हमें ये बता रहे हैं क्वेश्चन ये है कि इसमें जो है आ, दो किस्म की चीज़ें जो हैं वो वर्क हैं एक फ़िज़िकल एज ठीक है एक जो राइटर है वो फिज़िकली जो है इन ऐसे में जो है ट्रैवल करता है एंड द माइंड्स आई माइंड्स आई का यहाँ हम मतलब समझते हैं इमेजिनेशन या उसकी सोच उसकी थिंकिंग थाट्स वगैरह ये एक ही चीज़ें ठीक है वो जो है एट वर्क दोनों जो है वो फंक्शन में लगे हुए हैं इन दिस ट्रैवल ऐसे और क्वेश्चन है कि इसको एक्सप्लेन करें इस बात को ठीक है तो आंसर जो है मैंने कुछ यूं जो है इसका लिखा है देयर आर टू काइंड ऑफ जर्नीज इन दिस ऐसे इस ऐसे में दो किस्म की जर्नीज जो हैं हो रही हैं वन इज़ द फिज़िकल जर्नी अंडरटेकन बाय द राइटर इन द ट्रेन फ्रॉम पेशावर टू लाहौर ही मीट्स द होली मैन एक फ़िज़िकल जर्नी है एक उसका जिसम जो है वो इन द जर्नी है अंडरटेकन बाय द राइटर राइटर ने वो जर्नी जो है वो कर रहा है इन द ट्रेन ट्रेन में फ्रॉम पेशावर टू लाहौर ठीक है वेयर जहां पर ही मीट्स द होली मैन उस ट्रेन में वो होली मैन से मिलता है उसको देखता है द अदर जर्नी गोस ऑन इन द राइटरस माइंड एक और जर्नी जो है वो राइटर के ज़हन में चल रही है राइटर मुसलसल सोचता है लुकिंग एट द फिजिकल कंडीशन ऑफ द होली मैन जब वो ट्रेन में होली मैन को देखता है उसकी फिजिकल कंडीशन को देखता है द राइटर माइंड गोस टू टॉलस्टॉयस ओपिनियन द राइटरस माइंड गोस टू टॉलस्टॉय ओपिनियन अबाउट सिंकिंग राइटर का जहन चला जाता है टोल स्ट्राई के ओपिनियन के बारे में स्टिंग के बारे में टोल स्ट्राई ने स्टिकिंग के बारे में जो कहा राइटर का माइंड जो है वो उस तरफ चला जाता है आफ्टर एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन अबाउट टोल फिर राइटर जो है टोल स्ट्राई का ओपिनियन एक्सप्लें करता है फिर आखिर में अपना व्यू जो है उसके बारे में देता है उसके बाद राइटर कनेक्ट हिज रीडर्स बैक टू द फिजिकल जर्नी दोबारा जो है राइटर देखता है होली मैन को और उसका जहन जो है वो अपने ख्याल से वापस आ जाता है और दोबारा वो उस ट्रेन में जो है फ़िज़िकली जो है उस शख्स को देखता है होली मैं एक्शन बिकम अनबेरेबल फॉर द राइटर जहां पर जो होली शख्स होता है उसके काम जो हरकतें वो करता है वो राइटर के लिए अनबेरेबल हो जाती हैं वो मज़ीक बर्दाश्त नहीं कर सकता एंड ही टू अन अदर कंपार्टमेंट और राइटर जो है फिर वो ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट uh, में चला जाता है द रेस्ट ऑफ हिस जर्नी ही थिंग्स अबाउट हिज एंटी क्लैरिकालिज्म रेस्ट ऑफ द जर्नी वो अपनी एंटी क्लरिकाल के बारे में सोचता है एंटी क्लरिकलिजम का मतलब है रिलीजन के खिलाफ क्रिश्चियनिटी के खिलाफ सोचना स्पेशली उस वक्त जब ये रिलीजन जो है ये सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर करे तो उसके खिलाफ तो वो एंटी क्लैरिकलिज़म जो है उसकी सोच थी वो अपने ओपिनियन के बारे में बाकी रास्ते में सोचता रहा तो दोबारा उसका माइंड जो है वो इट वर्क था हिज माइंड गोज़ टू द बिलीज ऑफ द फ्रेंच राइटर वॉल्टेर इसका माइंड जो है वो एक फ्रेंच राइटर वॉल्टर के बिलीफ पे चला जाता है असल में जब वो वापसी में सोचता है उस होली मैन के बारे में वो अपनी एंटीक्लैरकैलिज्म के, के बारे में सोचता है तो उसको वोटेयर की याद आती है और उसकी उसकी जो है ओपिनियन याद आता है द राइटर देन डिसकस इन डिटेल रैशनलिज्म एंड हिज ओपिनियन अबाउट रिलीजन यहाँ पर राइटर का जहन जो है वो दोबारा से अपनी सोचों में है और वो फिजिकली ट्रेन की जर्नी में जो है वो अवेयर नहीं है उसको नहीं सोच रहा बल्कि उसका जहन जो है फिर वोल्टेयर के ओपिनियन पर चला जाता है और उसकी बिलीफ पर चला जाता है फिर वो डिटेल में डिस्कस करता है रैशनलिज्म रिलीजनिज्म को एंड हिज ओपिनियन अबाउट रिलीजन और रिलीजन के बारे में जो उसका ओपिनियन है उसको डिटेल में डिस्कस करता है रैशनलिज्म मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बहरहाल रैशनलिज्म का मतलब ये है कि इंसान उस चीज पे बिलीव करे जो उसकी अकल मानती है जो उसका जहन मानता है एट द एंड ही रिलेट्स द डैमेज डन बाई द रिलीजन टू द एक्शन ऑफ द होली मैन आखिर में जो है रिलीजन के उसके बारे में बात करने के बाद वो जो है जो उसने डिस्कस किया होता है कि रिलीजन का जो डैमेज है ठीक है वो क्या है आखिर में उसको सारी सोच को और सारी बात को जो है होली मैन के साथ रिलेट करता है मतलब वो बताता है कि जो डैमेज रिजन कर सकता है वो इस तरह होली मैन की सूरत में जो है उसने फिज़िकल जर्नी में देखा तो उस इस तरह इसकी ऐसे में उसकी माइंड्स आए उसकी इमेजिनेशन और उसकी फ़िज़िकल एज उसका फिज़िकल सेल्फ जो है वो दोनों एटवर्क होते हैं वो दोनों जो है जर्नी में होते हैं होपफुली आपको ये क्वेश्चन uh, क्लियर हुआ होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो